हमारे देश में शादी का महत्व इसी बात से लगा लिया जाता है कि शादी के 7 वचन 7 जन्म तक होते हैं। शायद यही वजह है कि भारत को आध्यात्मिक देश कहा गया है, जहां शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। हमारे देश में शादी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जहां सारे घर वाले और रिश्तेदार इकट्ठा होकर किसी अपने की खुशी में शरीक होते हैं। उम्र का एक पड़ाव पार करने के बाद घर वाले अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचने लगते हैं। एक समय ऐसा था जब लोग घर वाले की मर्जी से शादी करते थे, लेकिन अब सब लव मैरिज करने लगे हैं। अभी भी देश में अरेंज मैरिज का काफी चलन है। हमारे शास्त्रों में शादी को लेकर बहुत सी बातें लिखी गई है, और उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं कि किस तरह की महिला के साथ शादी करनी चाहिए, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मोटिवेटर फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आप आसानी से देख पाए। नंबर 1, देर तक सोने वाली आलसी महिला से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर तक सोने वाली महिला हमेशा लेट उठती है और अपने घर के काम को अच्छे से नहीं करती, जिस वजह से घर में गंदगी होती है और हमेशा निगेटिव विचार आते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जहां साफ सफाई नहीं होती वहां निगेटिव एनर्जी की ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 2, कड़वी जुबान वाली महिला से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो महिला के मुंह में हमेशा उल्टा रहता है और उसके जुबान से गंदी बातें निकलती रहती है, वह महिला हमेशा अपने साथ क्लेश लेकर आती है। ऐसी महिला के घर पे आने से झगड़े बढ़ जाते हैं और घर का माहौल बिगड़ जाता है। नंबर 3, माता पिता के पीढ़ियों से संबंध रखने वाली महिलाओं से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि एक गोत्र की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह रिश्ते में आपकी सिस्टर हो सकती है और ऐसा करना पाप होता है, तभी यह शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो ये थी उन महिलाओं के बारे में जिनसे आपको शादी सोच समझकर करनी चाहिए। तो आपको चाणक्य की ये बातें जानकर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेटर फोरम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।